गोरखपुर को लाइट एंड साउंड शो की अनोखी सौगात मिली है। रामगढ़ताल में ये जल क्रीड़ा अपने आप में बहुत ही अनोखी है, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में केवल गोरखपुर में ही इतनी बड़ी वृहद जलराशि के बीच ये शो किया जा रहा है। इस शो को देखने के लिए जहां एक ओर शहर के सैकड़ों लोगों ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई, वहीं पर गोरखपुर के मंडलायुक्त जयंत नलिकर भी मौजूद रहे, जिन्होंने पूरा शो देखा। दरअसल सिटी वन चैनल ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था कि किस तरह से ये लाइट एंड साउंड शो आगामी 31 मार्च को होने वाला था और यही हुआ भी। आज इस लाइट एंड साउंड शो का ट्रायल किया गया। इस अद्भुत लाइट एंड साउंड शो के बारे में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए मंडलायुक्त ने कहा कि ये अपने आप में गोरखपुर के लिए बड़े ही गौरव की बात है। ये आज हमने जो मल्टीमीडिया फाउंटेन है उसका ट्रायल टेस्ट किया है, और हमें जो तकनीकी विशेषज्ञ हैं उन्होंने बताया कि ऐसे कई इनको ट्रायल रन करने पड़ेंगे, क्योंकि ये थोड़ी तकनीकी अलग है और मुझे ज्ञात नहीं है कि ये उत्तर प्रदेश में कहीं और भी है कि नहीं, बट ये बहुत ही पूर्वांचल के लिए मुझे लगता है एक अनोखा प्रयोग किया गया है, और इसके लिए जो टीम मेंबर हैं वो सारे बधाई के पात्र हैं। लेकिन अभी इसमें कई बार इसका ट्रायल रन करके इसको सुदृढ़ किया जाएगा और तभी हम इसको पब्लिकली लॉन्च करेंगे। आपने पूरा शो देखा है, आपका व्यक्तिगत अनुभव क्या कहता है? नहीं, बहुत बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, और आपके सहयोग से हम और भी आगे जाएंगे और भी जो विश्व स्तर की अच्छी चीज़ें हैं वो हम यहाँ पर लाना चाहेंगे और लोगों को लोग उसका उपभोग करें और लोग देखें कि आज विश्व